हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज बेनेडिक्ट डी स्पिनोजा, गॉड और सब्सटेंस। तो स्पिनोजा के अकॉर्डिंग गॉड और सब्सटेंस का क्या कॉन्सेप्ट है वो आज हम पढ़ेंगे। सो बेनेडिक्ट डी स्पिनोजा वाज अ रैशनलिस्ट, जैसे कि डेकार्ट हमने पढ़ा था, डेकार्ट वाज आल्सो अ रैशनलिस्ट। ही मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन in virtually every area of philosophy, and his writings reveal the influence of such divergent souls as stoicism, Jewish rationalism, Hobbes, Descartes, etc. For this reason, Spinoza is difficult to categorize कि हम उन्हें किस category में रखें, क्योंकि उन्होंने almost हर field में काम किया है। Though he is usually counted along with Descartes and Leibniz as one of the three major rationalists, कि वैसे तो उन्हें एक बहुत famous rationalist माना जाता है, लेकिन उनका जो work है वो बहुत different different field में भी था। Spinoza's philosophy is largely contained in two books. First is the Theologica Politica Theotides and second is the Ethics. ये दो बुक थी जिसमें जो बहुत फेमस हैं, और उनका जो जितना एक लार्ज पार्ट इन दो बुक में मिलता है, जैसे कि अभी हम गॉड और सब्सटेंस का जो कॉन्सेप्ट देखेंगे वो ज़्यादातर एथिक्स में एक्सप्लेन्ड है। इन स्पिनोजा'स एथिक्स He wrote a section titled The Treating of God and What Pertains to Him, in which he discussed God's existence and what God is. जैसा कि मैंने कहा कि उन्होंने अपनी एथिक्स में ज़्यादा अच्छे से बताया है कि गॉड क्या है, गॉड कैसे एग्जिस्ट करता है, क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक है, या हम कैसे उनको समझ सकते हैं, वो सब उन्होंने इसमें बताया है। स्पिनोजा बिलीव दैट नॉलेज सॉरी गॉड इज द सम ऑफ द नेचुरल एंड फिजिकल लॉज ऑफ द यूनिवर्स एंड सर्टेनली नॉट एन इंडिविजुअल एंटिटी और क्रिएटर। दिस इज इम्पॉर्टेंट, नॉट एन इंडिविजुअल एंटिटी और क्रिएटर। जैसा कि हमारे जनरली जो गॉड का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे माइंड में ऐसा आता है कि गॉड इज़ लाइक क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, क्रिएटर ऑफ द ह्यूमन बींग, एक इंडिविजुअल एंटिटी है, हम उसे देख सकते हैं, हम कोई उन्हें मूर्तियों से कनेक्ट करता है, कोई उन्हें किसी तरीके से, है ना। तो जैसे सगुण ईश्वर और निर्गुण ईश्वर का जो कॉन्सेप्ट है, तो कहते हैं कि हर तरह हम रिलीजन वाइज भी गॉड के कॉन्सेप्ट अलग अलग हैं, हिंदू में कुछ और, मुस्लिम में कुछ और, तो इस तरह से। लेकिन स्पिनोजा इस थ्योरी को नहीं मानते। स्पिनोजा की थ्योरी बहुत डिफरेंट है गॉड के कॉन्टेक्स्ट में, एंड क्यों डिफरेंट है वो अभी हम देखेंगे। जब हम धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे ना, तो हम देखेंगे कि वो क्यों डिफरेंट है। एंड द मोस्ट डिस्टिंक्टिव एस्पेक्ट ऑफ स्पिनोजा सिस्टम इज हिज सब्सटेंस मोनिज्म, यानी द्रव्य एकवाद या एक तत्ववाद। इस टर्म से एक चीज़ जो क्लियर हो रही है वो ये कि एक ही सब्सटेंस को स्पिनोजा एक्सेप्ट करते हैं। हिज क्लेम दैट वन इनफाइनाइट सब्सटेंस गॉड इज द ओनली सब्सटेंस दैट एक्सिस्ट, जो भी एग्जिस्ट करता है उसमें गॉड ही एकमात्र द्रव्य है। जनरली स्पिनोजा sees us as enslaved by our affection, so bound up with the things we love and want that they rule our lives. When we stake our happiness on our care for life, health, riches, esteem, pleasure or friend, etc., we tie ourselves to those things that are always precarious. क्या होता है ना कि जब ऐसा माना जाता है कि जब अफेक्शन होता है, अट्रैक्शन होता है, हम चीज़ों से जुड़ जाते हैं, और जब चीज़ों से हमारा अटैचमेंट हो जाता है तो वो हमें कहीं ना कहीं टाई कर देती हैं। जैसे हम इंडियन फिलॉसफी में भी देखते हैं कि मोक्ष अगर चाहिए, इफ़ यू वांट टू
लिबरेट, तो आपको क्या आपके अंदर एक त्याग की भावना होनी चाहिए, क्या त्याग करना है, क्योंकि आप जुड़े हुए हैं लोगों से और इसलिए आपको पेन हो रहा है. और द कॉज ऑफ सफरिंग इज वॉट, अटैचमेंट, अटैचमेंट इग्नोरेंस, है ना. उसी तरीके से यहाँ भी कहीं ना कहीं ये थॉट है स्पिनोजा का कि देर माइट बी एनी थिंग ऑफ विच द डिस्कवरी एंड अटेनमेंट वुड एनेबल मी टू इंजॉय कॉन्टिन्यूस सुप्रीम एंड एंडिंग नेवर एंडिंग हैप्पीनेस. कि क्या ऐसा कुछ है जो परमानेंट हैप्पीनेस या सुप्रीम ट्रू या कोई पावर जो कभी नहीं खत्म हो, विच इज नॉट टेम्परेरी. सो स्पिनोजा सजेस्ट देर इज अ वे टू इमेंसिपेशन. एक रास्ता है कि आप इमेंसिपेट हो सकते हैं, आपको मोक्ष मिल सकता है. द आंसर इज टू हैव एन इंटेलेक्चुअल लव फॉर वॉट इज इटर्नल एंड इनफाइनाइट. कि जो इटर्नल है, जो इनफाइनाइट है, उसके लिए आपका इंटेलेक्चुअल लव हो. एंड वॉट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट दैट टाइप ऑफ लव. द ऑब्जेक्ट ऑफ सच अ लव कैन ओनली बी द होल लॉजिकली नेसेसरी सिस्टम ऑफ नेचर विच स्पिनोजा आइडेंटिफाई विद द गॉड और सब्सटेंस. सो मैंने आपको इतना एलेबोरेट इसलिए किया क्योंकि मैं आपको ये पॉइंट बताना चाहती थी कि जो स्पिनोजा हैं उनके लिए गॉड, सब्सटेंस, नेचर, ये सब सिनोनिम्स हैं. इसलिए अब हम पढ़ेंगे गॉड एंड नेचर इज वन. ये अलग नहीं है. जनरली कहा जाता है कि ईश्वर अलग है, प्रकृति अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है. स्पिनोजा यहाँ पे भी बहुत डिफरेंट थॉट प्रेजेंट करते हैं. द मोस्ट डिस्टिंक्टिव आस्पेक्ट, जैसे कि मैंने कहा कि सब्सटेंस मोनिज्म वो मानते हैं, तो वो सब्सटेंस मोनिज्म के लिए उनकी थ्योरी जानना ज़रूरी है कि वो सब्सटेंस क्या है उनके अकॉर्डिंग. तो उनके अकॉर्डिंग गॉड ही सब्सटेंस है. सो फर्दर अर्ली इन द एथिक्स स्पिनोजा आर्ग्यू दैट देयर इज ओनली वन सब्सटेंस विच इज एब्सोल्युटली इनफाइनाइट, सेल्फ कॉज्ड एंड इटर्नल. जो जिसकी कोई लिमिट नहीं है, जिसका कोई दूसरा कॉज भी नहीं है. ऐसा नहीं है कि एक चेन है, इसका कॉज ये है, इसका कॉज ये है, इसका कॉज ये नहीं. गॉड का कोई कॉज नहीं है, सब्सटेंस का कोई कॉज नहीं है, एंड वो इटर्नल है. ही कॉल्स दिस सब्सटेंस गॉड और नेचर. इन फैक्ट ही टेक्स दीज टू टर्म्स टू बी सिनोनिमस. इन द लेटिन द फ्रेज ही यूजेस ड्यूस्ड ऑफ नेचर. According to Spinoza, there is no separation without God and nature. कोई भी बीच में अलगाव नहीं है. ऐसा नहीं है कि these are two entities, two substance, God अलग है, nature अलग है, नहीं. For him, the fundamental reality is the eternal and infinite being whom we call God or nature. वो जो रियलिटी है, ही क्लेम्स ऑल इंडिविजुअल बीइंग्स आर मेयरली मॉडिफिकेशन और मोड्स ऑफ गॉड्स एट्रीब्यूट. वो कहते हैं कि ये जो भी हमें दिखता है, जितने भी इंडिविजुअल बीइंग्स हैं, वो कुछ नहीं है, वो गॉड का ही मॉडिफिकेशन, गॉड के ही मोड्स हैं. उसी की उस मतलब उसके रूप समझ लो. गॉड से डिफरेंट कुछ भी नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे पानी का एग्जाम्पल दिया हुआ है. फॉर एग्जाम्पल वाटर, आइस, स्टीम, ऑल दीज आर वेरियस मोड ऑफ H2O. सिमिलरली एवरीथिंग इन द नेचर इज सिंपली एन एस्पेक्ट और मोड ऑफ गॉड्स बीइंग. उसी तरह सारी चीज़ें गॉड्स बीइंग के ही मोड हैं. सो स्पिनोजा सेज दैट Man's idea don't come from himself, but from some sort of external cause. कि अगर आपके, अच्छा एक और चीज़ है
यहाँ पे स्पिनोजा ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट कर रहे हैं. इट मींस कि वो कहते हैं कि पहले ही एग्जिस्टेंस है, तभी तो हम उस चीज़ की बात कर रहे हैं. गॉड है, तभी तो हमारे अंदर उसका थॉट है. सो दस द थिंग हुज कैरेक्टरिस्टिक्स अ मैन नोज मस्ट हैव कम फ्रॉम सम प्रायर सोर्स, कि वो पहले से एग्जिस्ट कर रही है. सो इफ मैन हैज द आइडिया ऑफ गॉड, देन गॉड मस्ट एग्जिस्ट बिफोर दिस थॉट, बिकॉज मैन कैन नॉट क्रिएट एन आइडिया ऑफ हिज ओन इमेजिनेशन, जिसको कभी देखा ही नहीं, जिसको कभी परसीव ही नहीं किया, जिसका मतलब विदाउट एग्जिस्टेंस हाउ कैन वी टॉक अबाउट समथिंग. सो द गॉड इज द ओनली सब्सटेंस इन द यूनिवर्स एंड एवरी थिंग इज अ पार्ट ऑफ गॉड. दिस इज इम्पॉर्टेंट कि सिर्फ एक ही सब्सटेंस है और हर चीज़ जो भी हम देख रहे हैं, जो भी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इवन हम खुद उस गॉड का पार्ट है. नाउ देर आर टू टर्म्स विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, द गॉड एंड सब्सटेंस. तो इनकी डेफिनेशन क्या है, इनको कैसे एक्सप्लेन किया है? तो हम देखेंगे कि पहले सब्सटेंस की डेफिनेशन क्या दी है स्पिनोजा ने, द्रव्य की परिभाषा. बाय सब्सटेंस आई अंडरस्टैंड दैट विच इज इन इट सेल्फ एंड इज कंसीव्ड थ्रू इट सेल्फ, जो अपने आप में, और अगर हमें उसे कंसीव भी करना है, उसे परसीव भी करना है, तो वो भी अपने आप, इसका मतलब उसका कोई एक्सटर्नल कॉज नहीं है. इन अदर वर्ड्स द कंसेप्शन ऑफ विच डज नॉट नीड द कंसेप्शन ऑफ अनदर थिंग फ्रॉम विच इट मस्ट बी फॉर्म्ड. ऐसा नहीं है कि इसके कंसेप्शन की हमें किसी और कंसेप्शन की ज़रूरत है, किसी और चीज़ के कंसेप्शन की ज़रूरत है. सो देयर इज़ नो कॉज एंड इफेक्ट चेन, ऐसा कुछ नहीं, ये इफेक्ट है फिर इसका कॉज क्या है, फिर इसका कॉज क्या है. जैसे हम बोलते हैं कि जैसे हमारा कॉज हमारे पेरेंट हैं, उनका कॉज उनके पेरेंट हैं, उनका कॉज उनके पेरेंट है. सो देर विल बी इनफाइनिट रिग्रेस फैलेसी, कि यहाँ कोई एंड ही नहीं है. इसलिए ये फैलेसी ना रेज हो, इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि द गॉड इज समथिंग विच इज प्राइमरी, उसके लिए किसी कॉज की जरूरत नहीं है, दैट इज सेल्फ कॉज्ड एंटिटी और सब्सटेंस. फर्दर इफ द थॉट ऑफ सम एंटिटी डज नॉट रिक्वायर एनी अदर कॉन्सेप्ट टू मेक इट इंटेलिजिबल, देन इट डज नॉट डिपेंड ऑन अ कॉज आउटसाइड ऑफ इट सेल्फ, सच अ बींग वुड बी आ सब्सटेंस. ऐसा ही एक ऑब्जेक्ट या एंटिटी जो किसी और चीज पे डिपेंडेंट नहीं है, जिसके लिए आउटसाइड कॉज की ज़रूरत नहीं है, वही सब्सटेंस है स्पिनोजा के अकॉर्डिंग. स्पिनोजा गोज ऑन टू आर्ग्यू दैट सब्सटेंस इज नेसेसरली इनफाइनाइट. इफ इट वर फाइनाइट देन वी वुड हैव टू कंसीव ऑफ समथिंग एक्सटर्नल टू इट दैट कॉन्स्टिट्यूट्स इट्स लिमिट, बट देन इट वुड नॉट बी सेल्फ सफिशियंट एंड लॉजिकली इंडिपेंडेंट. वो कहते हैं कि अगर हम इसे लिमिट कर देंगे, अगर हम इसे इनफाइनाइट मान लेंगे, तो फिर हमें उसके कॉज को ढूंढना पड़ेगा समझने के लिए ना. तो कहते हैं कि फिर तो वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं रहेगा, सेल्फ कॉज नहीं रहेगा, फिर वो सब्सटेंस नहीं कहलाएगा. सो सब्सटेंस फॉर सब्सटेंस सेल्फ सफिशिएंसी और सेल्फ कॉज इज नेसेसरी. देन डेफिनेशन ऑफ गॉड, गॉड की क्या परिभाषा है. बाय गॉड आई अंडरस्टैंड बीइंग एब्सोल्युटली infinite, that is to say substance consisting of infinite attributes, each of which express eternal and infinite essence. तो ये जो quality हम देख रहे हैं कि substance में पहले ही बता चुके हैं, इसलिए substance और God को वो synonyms मानते हैं. For Spinoza, however, the order of thought must follow the order of reality. जैसा कि मैंने कहा कि आप जिसके बारे में सोचते हैं उससे पहले उसकी रियलिटी आ जाती है. अगर आपके मन में गॉड का थॉट है तो इसका मतलब गॉड एग्जिस्ट कर रहा है ना, सॉरी, तभी तो हम उसकी बात कर रहे हैं. फर्दर
Since everyone must admit that without God nothing can be nor can be conceived. Spinoza says it follows that the divine nature ought to be studied first, because it is first in the order of knowledge and in the order of thing. Spinoza provides an ontological argument to show the concept of substance imply that any substance necessarily exists. अब देखो कि argument क्या है, यहाँ पे दो तीन argument हम देखेंगे जो ये prove करता है कि God exists and only God exists, और God के जैसा कोई और नहीं हो सकता, कोई दूसरा substance नहीं हो सकता. इस तरह से जो Spinoza है वो अपनी theory को एक्सप्लेन करते हैं. तो आर्ग्यूमेंट फर्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ दैट विच इज कंप्लीटली सेल्फ कंटेन्ड, फॉर इट डज नॉट नीड द कॉन्सेप्ट ऑफ एनीथिंग एल्स टू मेक इट इंटेलिजिबल. ये डेफिनेशन है, ठीक है. तो ये कह रहे हैं कि ये जो सब्सटेंस का कॉन्सेप्ट है, इसके लिए हमें किसी और कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सेल्फ कंटेंट है, ये सेल्फ कॉस्ट है. ये अभी हमने पढ़ा. इफ अ सब्सटेंस हैड अ कॉज, देन टू अंडरस्टैंड दैट सब्सटेंस वी वुड हैव टू हैव नॉलेज ऑफ इट्स कॉज. अगर हम ये मान लें कि सब्सटेंस का कोई कॉज है, तो फिर हमें उसकी नॉलेज के लिए, उसको उस सब्सटेंस को समझने के लिए उसके कॉज को भी तो समझना जरूरी हो जाएगा ना. सो बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द डेफिनेशन इन प्रेमिसेस वन. लेकिन अगर हम ऐसा मान लेंगे तो ये यहाँ फर्स्ट प्रेमिसेस को कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, क्योंकि वहां हम कह रहे हैं किसी भी कॉज की जरूरत नहीं है. हेंस अ सब्सटेंस कैन नॉट हैव अ कॉज, इसलिए प्रूफ होता है कि सब्सटेंस का कोई कॉज नहीं हो सकता. According to definition, God is a substance, because जिस तरह से substance infinite है, God infinite है. It follows that God does not have a cause and therefore must necessarily exist. इसे proof होता है कि God का कोई cause नहीं है, वो substance है और इसलिए वो exist करता है. ये था first argument. So Spinoza not only argued that anything that is truly substance necessarily exists, but he thinks that only one substance exists. वो सिर्फ ये नहीं कह रहा कि जो substance है वही exist करता है, कहता है कि सिर्फ एक ही substance exist करता है. And in other word, nothing beside God exists unless it is simply a mode of his being. और उसके अलावा कुछ भी exist नहीं करता. तो देखो ये second argument है, कैसे हम prove करते हैं. A second substance would either have the same nature as God or a different one. अब अगर कोई दूसरा substance है तो या तो उसका same nature हो या तो वो different nature का हो, है ना. मतलब या तो वो God की तरह हो या तो वो God की तरह ना हो. So it could not have exactly the same nature as God. For then the two of them would be indistinguishable. अगर हम कहें कि नहीं दूसरा substance है और उसका बिल्कुल ही same nature है जैसा कि God का है, तब तो फिर हम उन्हें separate ही नहीं कर पाएंगे. मतलब they would be the same thing, फिर तो वो एक जैसे हो गए ना. तो फिर दूसरा substance मानने की requirement ही क्या है. So इसका मतलब कि God के जैसा नहीं हो सकता. If another substance had a nature similar to God while remaining numerically distinct from him, there would have to be some reason outside of their nature why there exist only two of them instead of three or more. वो कहते हैं कि अगर कोई different nature का substance है तो फिर एक से ज़्यादा क्यों, मतलब सिर्फ दो ही क्यों, तीन या चार क्यों नहीं. But there cannot be any reason external to substance why it exists. लेकिन कोई आउटर कॉज है ही नहीं. सो देयर कैन नॉट बी अ सब्सटेंस सिमिलर टू गॉड बट न्यूमेरिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम हिम.
सिमिलर टू गॉड भी पॉसिबल नहीं है और दूसरी तरीके से भी पॉसिबल नहीं है. सिंस गॉड इज इनफाइनाइट इन हिज एट्रीब्यूट, इफ अ सब्सटेंस इज डिफरेंट इन नेचर फ्रॉम गॉड, इट कैन ओनली डिफर बाय लैकिंग वन ऑफ हिज इनफाइनाइट परफेक्शन. और हम कहते हैं कि अगर देखो हमने गॉड को पहले ही परफेक्ट बोल दिया क्योंकि सब कुछ उसमें इंक्लूडेड है, ठीक है. अब हम कहते हैं कि कोई सब्सटेंस टू है, मान लीजिए हम कहते हैं कोई सब्सटेंस टू है, तो इट मींस कि वो गॉड के जैसा तो नहीं है, है ना, तो वो गॉड से अलग है. और जब सब कुछ गॉड में इंक्लूडेड है तो इट्स मींस कि यहाँ पे परफेक्शन में से कुछ तो कमी आ गई है, ये जो परफेक्शन है इसमें कुछ तो माइनस हो गया है, तभी तो वो गॉड से अलग है. बिकॉज गॉड इज परफेक्ट, एंड इफ देयर इज एनी सब्सटेंस, एनी अदर सब्सटेंस, इट कुड नॉट बी परफेक्ट. और अगर वो परफेक्ट नहीं है, वो इनफाइनाइट नहीं है, सो वो सब्सटेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा. सो इट फॉलोज दैट अ सब्सटेंस डिफरेंट फ्रॉम गॉड वुड बी लिमिटेड बीइंग दैट नेवरदलेस एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ हिम, क्योंकि वो अपने आप में कंप्लीट नहीं है. बट दिस इज एब्सर्ड फॉर सच अ बीइंग वुड बी अ लिमिटेशन ऑफ गॉड्स नेचर. देयरफॉर गॉड इज द ओनली सब्सटेंस that exists and everything else is a mode of his being. इसलिए सिर्फ God ही एक substance है और बाकी सब mode of the God या फिर God's being. Now अब देखो हम एक चीज बार बार पढ़ रहे हैं, mode and attributes. ये क्या है इसको समझना भी जरूरी है. So by mode, यहाँ पे आपको mode की definition दी है. By mode I understand the affection of a substance or that which is in another through which it is called conceived. It is also conceived. A mode or property is something that needs a substance in order to exist and can not exist without a substance. एक मोड जो है वो एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो सब्सटेंस में रहती है. विदाउट सब्सटेंस उसका एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है. अकॉर्डिंग टू ऑलमोस्ट ऑल ऑफ स्पिनोजास प्रिसिडर्स, जो भी इंक्लूडिंग एरिस्टोटल एंड डेकार्ट, जो भी उनके पहले जितने भी फिलोसोफर हुए, देर आर लॉट्स ऑफ सब्सटेंस इन द यूनिवर्स अकॉर्डिंग टू देम, ईच विद देयर ओन मोड्स और प्रॉपर्टी. उनका ऐसा मानना था कि बहुत सारे सब्सटेंस हैं, उनके मोड्स हैं और प्रॉपर्टी हैं. फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू डेकार्ट, अ कैट इज अ सब्सटेंस विच हैज़ अ मोड ऑफ बीइंग फरी, ऑरेंज, सॉफ्ट, हेयरी, एटसेट्रा. बट स्पिनोज़ा हाउएवर रिजेक्ट दिस व्यू, दिस ट्रेडिशनल व्यू, एंड आर्ग्यू इंस्टेड दैट देयर इज ओनली वन सब्सटेंस called God or nature. लेकिन स्पिनोजा ने सिर्फ एक ही सब्सटेंस को अपनी थ्योरी में बताया है. अदर थिंग्स, सॉरी थिंग्स लिखा हुआ टाइपो एरर है, अदर थिंग्स लाइक कैट, डॉग, पीपल, रॉक, एटसेट्रा, नॉट सब्सटेंस इन स्पिनोजाज व्यू. But rather, they are just mode of one substance that is God. वो कहते हैं कि ये सारे सब्सटेंस जो आप दिख रहे हैं ना, जिस भी, वो अलग नहीं है, वो सब गॉड के ही मोड्स हैं. Now, attribute की definition. An attribute is just the essence of substance. Under some way of conceiving or describing the substance, कि हम कैसे सब्सटेंस को एक्सप्लेन करते हैं, हम कैसे उसे डिस्क्राइब करते हैं, ये जो ब्रैकेट में लिखा है दैट इज एथिक्स वन और ये डेफिनेशन फोर. सो गॉड और सब्सटेंस हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एट्रीब्यूट. एन एट्रीब्यूट इज सिंपली
an essence, what it is to be, that kind of thing. According to Descartes, every substance has only one attribute. क्योंकि डेकार्ट ने बहुत सारे सब्सटेंस को बिलीव किया और उन्होंने कहा कि उसका एक एट्रीब्यूट होता है, हर सब्सटेंस का एक एट्रीब्यूट होता है. फॉर एग्जांपल, बॉडीज हैव ओनली द एट्रीब्यूट ऑफ एक्सटेंशन एंड माइंड्स हैव ओनली द एट्रीब्यूट ऑफ थॉट. ये हमने डेकार्ट की फिलॉसफी में पढ़ा है ना. बट स्पिनोजा हाउएवर आर्ग्यू अगेंस्ट दिस क्लेम दैट द वन सब्सटेंस इज एब्सोल्युटली infinite and so it must exist in every way that something can exist. Thus he inferred that one substance must have an infinite number of attribute. वो कहते हैं कि एक substance का केवल एक attribute नहीं होता, उसके infinite attribute होते हैं. इसलिए जो जो God के आपको mode दिख रहे हैं वो इसीलिए infinite हैं, आपको इतने रूप दिख रहे हैं. So, further, when we consider substance one way, then we conceive of its essence as thought. While substance has infinite number of different attributes, Spinoza argued that human being only know about two of them. जैसे कि मैंने कहा कि जब हम एक substance को एक तरीके से consider करते हैं तो हो सकता है हमें उसका एक एट्रीब्यूट दिखा, दैट इज एक्सटेंशन. जब हम उसे दूसरी तरीके से करते हैं तो उसका दूसरा एट्रीब्यूट दिखता है, दैट इज थॉट. लेकिन वो कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग सिर्फ दो के बारे में जानता है ना, एक्सटेंशन एंड थॉट. इनके अलावा भी बहुत कुछ हो सकता है जानने के लिए. अब एट्रीब्यूट के बेस पे क्या आर्ग्यूमेंट दिया गया है? द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट इट एज फॉलोज. एवरी सब्सटेंस हैज एटलीस्ट वन एट्रीब्यूट. ये हम देखते हैं, एवरी सब्सटेंस हैज एटलीस्ट वन एट्रीब्यूट. टू सब्सटेंस कैन नॉट शेयर द सेम नेचर और एट्रीब्यूट. सो गॉड हैज ऑल पॉसिबल एट्रीब्यूट. कि पहली बात तो एक सब्सटेंस का एक कम से कम एक एट्रीब्यूट तो होगा. वो कहते हैं कि फिर दूसरा प्रमिसेस क्या है कि दो सब्सटेंस कभी भी सेम एट्रीब्यूट के नहीं हो सकते. फिर तीसरा क्या है कि गॉड हैज ऑल पॉसिबल एट्रीब्यूट. की वो तो परफेक्ट है तो उसके तो सारे एट्रीब्यूट है, इनफाइनाइट एट्रीब्यूट है. गॉड एग्जिस्ट, देयरफॉर नो अदर सब्सटेंस अदर देन गॉड कैन एग्जिस्ट. तो हमने तीन आर्ग्यूमेंट पढ़े जहां पे हम बार बार यही प्रूव कर रहे हैं कि ओनली गॉड इज अ सब्सटेंस. और यहाँ पे जो थियोरी निकल के आ रही है दैट इज पैंथियज्म, सर्वेश्वरवाद. सब कुछ ईश्वर ही है. स्पिनोजा फॉलोज दिस कंक्लूजन विद प्रपोजिशन, वॉट एवर इज इन गॉड एंड नथिंग कैन आइदर बी और बी कंसीव विदाउट गॉड. इन अदर वर्ड्स, गॉड इज द टोटैलिटी. टोटैलिटी यानी उससे अलग कुछ है ही नहीं. ही इज इमिनेंट इन द वर्ल्ड. This sort of proposition is commonly called pantheism. Pantheism, the belief that God exists in all natural things. Or pantheism stresses the identity between God and world or God and universe. If I explain in a better way, so pantheism is a doctrine which identifies God with the universe. और regards the universe as a manifestation of God. कि यूनिवर्स में हमें जो भी दिखता है वो सब गॉड है, या आप ऐसे मान लें या फिर सब गॉड का ही मैनिफेस्टेशन है. गॉड से अलग कुछ भी नहीं है. सो इस तरह से ये पूरी स्पिनोजा के फिलॉसफी में गॉड का क्या कॉन्सेप्ट है वो हमने आज देखा. अब आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कितना डिफरेंट कॉन्सेप्ट है स्पिनोजा की फिलॉसफी में. कि हम देखते हैं कि गॉड इट्स लाइक इंडिविजुअल एंटिटी, या पर्सनल गॉड है ना, इम्पर्सनल पर्सनल की बात करते हैं. वो सबसे अलग वो कहते हैं कि नेचर जो भी आप देख रहे हैं वो गॉड है. और जाहिर सी बात है कि हम ऐसे गॉड को
बाय सेंसेस परसीव नहीं कर सकते, मतलब ऐसे नहीं है कि हमें कोई अलग से एक पर्सन दिखेगा वो गॉड है, नहीं, जो कुछ भी दिख रहा है वो कोई एक फॉर्म में नहीं है, उसकी कोई पर्टिकुलर फॉर्म नहीं है, है ना। सो ये था गॉड का कॉन्सेप्ट, थैंक यू सो मच।